केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अभी हाल ही में बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को हर 3 साल में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अमित शाह ने ये साफ किया था कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने हालिया बयान में कहा था कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से उन्हें कौन रोक सकता है। गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार को लगता है कि इफ्तार पार्टी करने और जालीदार टोपी पहनने से मुसलमान उनसे खुश हो जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा देगा। हालांकि ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। वैसे बीजेपी के इन दोनों कद्दावर मंत्रियों का यह बयान काफी हद तक सही भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त जब भी करीब आता है तो ये सरगर्मियां बढ़ जाती हैं कि नीतीश कुमार इस बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। आपको मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली तक का चक्कर लगा रहे। दरअसल नीतीश कुमार खुद को नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। दरअसल इसकी एक वजह भी है, समूचे विपक्ष में नीतीश कुमार से ज्यादा तजुर्बेदार कोई भी नेता नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि कांग्रेस के राहुल गांधी से उनकी अदावत है, लेकिन ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने राहुल गांधी के मुकाबले नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना है, जिसके चलते नीतीश का जोश हाई है। खैर, अब आते हैं सियासी समीकरण पर। जो समीकरण अभी फिलहाल बन रहे हैं उससे ऐसा लगता तो बिल्कुल नहीं है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा भी हो पाएगा। जी हाँ, उनके प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा रोड़ा तो उन्हीं की टूटी हुई पार्टी है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे में उनकी पार्टी के नेता बीजेपी में छलांग लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब मीडिया में पार्टी पक्ष के लिए मजबूती से बात रखने वाले अजय आलोक ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अजय आलोक नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में जाने जाते थे। प्रवक्ता के रूप में अजय आलोक विरोधियों पर जमकर बरसते थे, लेकिन नीतीश कुमार की नीतियों से तंग आकर उन्होंने उस पार्टी से दामन थाम लिया जिसका वो विरोध किया करते थे। नीतीश कुमार के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। खैर, बाकी बची कुची कसर पूरी कर दी आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के सदस्य रह चुके जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता रामचंद्र प्रताप सिंह उर्फ आरसीपी सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने को इतिहास क्षण बताते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश बाबू बोलते थे कि कोई काम देश में नहीं हो रहा। मैंने उनसे कहा था कि भारत कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। एक मुख्यमंत्री 3 दिन से 3 प्रदेश में है, वो किस काम से गए होंगे। कहते कि विपक्षी एकजुटता कर रहा। इतिहास को याद करिए, हमेशा चुनाव में एकता की बात आती है, लेकिन वो बिना नेता के एकता की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि नीतीश बाबू आपका नेता कौन है। आपको बताते चले कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता माने जाते थे। उन्हें नीतीश का राइट हैंड माना जाता था। अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का कमजोर पड़ना बिल्कुल तय, क्योंकि वो नीतीश कुमार के राजदार हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करेंगे। खैर, इसके अलावा भी जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जदयू की प्रदेश सचिव राशि खत्री और मुजफ्फरपुर जदयू नगर महासचिव अनुभव मुकेश मेहता के नेतृत्व में महानगर जदयू के दर्जन भर पदाधिकारी शहीद जदयू की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। जिस तेजी से उनकी पार्टी के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के पाले में शामिल हो रहे, उससे तो ये साफ लगता है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी ही बचा ले वही बहुत है। बहरहाल, बात चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार मोदी हटाओ अभियान में ऐसे जुट गए हैं कि वो अपने राज को ही भूल गए और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। आखिर में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव में है, अगर वो इस बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए तो उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।